स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक जिन्हें लोग नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का योगदान अप्रतिम और अतुलनीय है। भारत माँ के एक ऐसे अनमोल रत्न, भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए स्वीकारिए ये शब्द सुमन, इन्हें सहेजिए और अग्रेसित करिए। वो सुभाष थे अंधकार में जो मशाल कहलाए थे, आज़ादी लाने की खातिर दुनिया से टकराए थे, पिता जानकी माँ प्रभावती की आंखों के तारे थे, हिंदू मुस्लिम और विदेशी अनुयायी तो सारे थे, जन्म कटक में हुआ था लेकिन कर्म क्षेत्र बंगाल बना, दिखलाया दुनिया को कैसे भार फोड़ दे एक चना। सुख सुविधा खुशियां त्यागी और अपनों का बलिदान किया, आईसीएस थे लेकिन इस्तीफा दे करके क्रांति लिया, रूस जर्मनी इटली और जापान हुए थे घर जैसे, दर्जन भर थे देश मित्र तो वो होंगे तन्हा कैसे, जिसका हर भारतवासी बच्चा बच्चा प्रस्तावक था, वो सुभाष थे जिनके आगे हिटलर भी नतमस्तक था। आजाद हिंद फौज बनाई अंग्रेजों से टकराए, उनके तेवर देख ब्रिटिश के सारे हाकिम थर्राए, भारतीय के लिए फूल गोरों की खातिर शोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा बोले थे। वो सुभाष थे दिल्ली चलो का नारा दिया था जन जन को, उन्होंने ढीला कर डाला था परतंत्रता के बंधन को, जापानी मैत्री का फल था देश में दो सूबे आए, अंडमान और निकोबार तोहफे में भारत ले आए। यह जय हिंद उन्हीं से हिंदुस्तान को पहली बार मिला, तोड़ दिया अंग्रेजी शासन का बेहद मजबूत कला, हम तो अब भी जिंदा उनको स्मृतियों में पाते हैं, जापानी 18 अगस्त को दिवस शहीद मनाते हैं। हर भारतवासी के मन में वो सुभाष सेनानी है। जय हिंद, जय सुभाष।